जैसा बस कुछ सुंदर साथ ने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, साधना करते समय कभी कभी परिस्थिति बस मन अति व्याकुल हो जाता है और बार बार मन को समझाने पर भी शांत नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मन क्यों व्याकुल होता है? क्योंकि आपने अभी पूर्ण समर्पण नहीं किया। जब मनुष्य स्वयं को ही सारा कर्ता धर्ता समझने लगता है तो वो व्याकुल होता है। मैं आपको एक छोटे सा दृष्टांत देता हूँ, चर्चा में शायद कभी मैंने इसका जिक्र भी किया होगा। एक सेठ थे, बहुत उदास थे। उनके मुनीम ने पूछा कि सेठ जी आज बहुत उदास क्यों हैं? सेठ जी कहने लगे कि देखो मेरे पास इतना धन है कि मेरी 10 पीढ़ियाँ कुछ नहीं करेंगी तो भी खाती रहेंगी, उनका काम चल जाएगा। मैं चिंतित हूँ कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। ऐसे लोग व्याकुल नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये व्याकुलता हम खुद सिर पर ढोते हैं। 90 साल की उम्र हो जाएगी, चिंता क्या रहेगी? मेरी पोती कैसे रह रही होगी, मेरे पोते का क्या हो रहा होगा, मेरे पोते का नंबर कितना आएगा? आपने अपनी उम्र तो बिता ली परीक्षा की, उसको करने दीजिए। जो सुविधा आप दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन उसकी चिंता में आप मरे जा रहे हैं तो आप व्याकुल होंगे। संसार कर्म से चलता है। आप ये देखिए, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, प्रभास क्षेत्र में यदवंश का विनाश हो जाता है, उनके सामने उनके पोते मारे जाते हैं, प्रद्युम्न जैसा पुत्र मारा जाता है, सब यदवंशियों का विनाश हो जाता है। आकर के पिता वसुदेव से कहते हैं कि पिताजी यदवंश का विनाश हो गया, आप होते तो क्या करते, छाती पीट पीट कर रोते कि मेरा पूरा खानदान समाप्त हो गया। धैर्य है, ये होना था हो गया। आप आज अरबोपति हैं, कल कंगालपति भी बन सकते हैं, नियत को यह मंजूर था। आपने जो शुभ कर्म किए थे उसके बदले मिला, आपसे धन ले लिया गया, तो उसमें चिंतित होने की क्या बात। अभी दोपहर होने वाली है, कुछ घंटों के बाद रात्रि आ जाएगी, आप रात आते ही रोने लगे कि रात क्यों आ गई, सूरज क्यों छिप गया। अपने समय तक रात रहेगी, फिर निश्चित समय पर दिन का उजाला हो जाएगा। सुख और दुख का चक्र चलता रहेगा। इसमें जो अपने मन को व्याकुल करता है तो वो तो उसके लिए ऐसा ही कहा जाएगा कि वो तो आ बैल मुझे मार, बिना मतलब के व्याकुल होना गलत है। हम अपने कर्मों से सुख या दुख पाते हैं, आप चिंतित नहीं होइए। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख हो दुख हो एक सम बने रहिए। लाभ अलाभ हो जय ज्यो, 10 करोड़ का लाभ हुआ खुश हो गए, 1 करोड़ का घाटा हो गया चिंता में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। आपका कर्म है करते जाइए, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ हो जय ज्यो, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवशेष। कह रहे हैं कि लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो, सब में सम स्थिति को प्राप्त होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, समत्वम योग उच्चते, समत्व होना। आप जानते हैं कि जिस दिन हम अपना हाथ राज्य के हाथों में पकड़ा देंगे, ये मान लेंगे कि तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, तो हम कभी व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि हमने डोर उनके हाथ में पकड़ा रखी है। जब हम सोचते हैं कि हम ही कर्ता धरता है, हमारे से ही सारी सृष्टि चल रही है, हमारे से परिवार चल रहा है, हमारे से देश चल रहा है, वहाँ आप दुखी होंगे। हाँ, कर्तव्य से विमुख न हुई, जो आपका कर्तव्य है उसको कीजिए, लेकिन सम अवस्था में रहते हुए। आप देखेंगे जितने महापुरुष हुए हैं सबको कष्ट झेलना पड़ा है। 5ों पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्षों का वनवास। जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, सूरज उगने से पहले कह दिया जाता है कि नहीं आपको सम्राट का पद तो नहीं मिलेगा, सन्यासी का वेश धारण करके
एक दो साल नहीं, 14 वर्षों के लिए आप जाइए, वन में रहिए। ऐसा नहीं कि राजमहल की तरफ से उनको धन दिया गया था कि वहाँ जाकर ये झोपड़ी बना लेना, ये खाने की व्यवस्था कर लेना, सब कुछ आपको करनी है, क्योंकि सन्यासी का कोई धन नहीं होता। आजकल तो सन्यास की मर्यादा ही मिट गई है, सन्यासियों के पास करोड़ों के बैंक बैलेंस होते हैं, लेकिन सन्यास का नियम ये होता है कि उसका कुछ नहीं हो, न अस्ति माता न पिता न भ्राता न सहोदर, न उसकी माँ हो न पिता हो, सारा संसार अपना हो, अपना भी हो और बिल्कुल भी न हो, लेने के लिए अपना ना हो, सारे संसार की सभी चेतना में आत्मा का दर्शन करे, लेकिन यह न सोचे कि ये मेरे माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई बंधु हैं, ये सखा हैं, इनसे मैं कुछ ले लूँ, उसका अपना कुछ नहीं, बिना मांगे जो मिल जाए वही ग्रहण करना चाहिए, वो संन्यास की व्याख्या होती है। इसलिए जो समत्व की अवस्था को प्राप्त हो गया है वो कभी राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता, उसको न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, उसको न कोई पराया लगता है न अपना लगता है, सबको उसको ये आभास होता है कि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे सबका कल्याण करना है, सुख से सुखी नहीं होना है, दुख से दुखी नहीं होना है, एक अवस्था में रहना उसको ध्येय होता है। जो इस मार्ग पर चलता है वो कभी व्याकुल होगा ही नहीं, व्याकुल वही होगा जो राग से ग्रसित होगा। दूसरा प्रश्न है, लंबे समय से सात्विक आहार निरंतर ध्यान करने पर भी शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा है और सांसारिक विकार जैसे राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध आदि मन को कभी कभी व्यथित कर देते हैं जो ध्यान में बताए जाते हैं। देखिए, आप एक पौधा लगाते हैं, लगाने के बाद अगले दिन आते हैं, देखते हैं कि मैंने कल तो पौधा लगाया था, इसमें फल फूल तो लगे ही नहीं, तो आप क्या अधीर हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, पौधे को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज आपने आम का पौधा लगाया तो कम से कम हाइब्रिड भी होगा तो दूसरे साल ही फल देगा, आज लगाएंगे कल फल नहीं देगा, और देसी वो बीजू लगाएंगे तो क्या होगा, 5 साल फल देने में लगाएगा। आप धैर्य खो देंगे कि हमने 1 महीना ध्यान कर लिया और हम निर्विकार हो जाए, काम क्रोध मतलब बिल्कुल न सताएं, तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो सृष्टि के प्रारंभ से लाखों जन्म से 1,96,08,53,120 वर्षों से ये काम क्रोध आपके जीव के चित्त में बसे हुए हैं, आप 1 महीने की ध्यान साधना से कैसे उसको पूरा खाली कर देंगे। यदि चादर में ज़्यादा मैली हो, कपड़ा ज़्यादा मैल हो, तो एक ही बार के साबुन से तुरंत साफ नहीं हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। आप सात्विक आहार करते रहिए, ध्यान की प्रक्रिया बनाए रखिए, हाँ समर्पण कीजिए, ये प्रार्थना जरूर कीजिए। इसलिए चितवनी के अंत में मैंने 3 मंत्र लिखवाए हैं और सुंदर साथ उसका पाठ हमेशा करें, ध्यान चितवनी के समापन के पश्चात उसको अवश्य दोहराए कि मम प्राणेश मम हृदय अकच्छ, मेरे राज्य मेरे हृदय में आई है, अहम निर्विकारो भक्ति मानस च भवम, मैं निर्विकार हो जाऊँ, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति में लग जाऊँ। जब राज्य से सच्चे हृदय से कहेंगे कि मुझे राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह न सताएं, तो एक दिन आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, लेकिन तब तक आप धैर्य बनाए रखिए, कुछ होता है धैर्यपूर्वक सहन कीजिए। आप ये सोचिए कि कितना भी साफ सुथरा वस्त्र आपने धारण किया हो, समय के प्रवाह में वो मैला होगा ही, आज कम मैला होगा, कल ज़्यादा मैला हो जाएगा, परसों ज़्यादा मैला होगा, उस मैल को निकालने के लिए आप शाम सुबह दोनों समय ध्यान कीजिए, रात्रि को सोने से पहले ध्यान कीजिए और सवेरे उठने के बाद पहला कार्य कीजिए चितवनी करने का। कुछ समय लगेगा, बाद में धीरे धीरे पूर्ण रूप से निर्मलता आ जाएगी, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर की स्थिरता के लिए भी धैर्य की जरूरत है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, ये नाड़ी गई है, मैं यहाँ कुछ वजन रख दूँ तो नाड़ी में रक्त जो प्रवाहित हो रहा है वो अवरुद्ध होगा, थोड़ी देर के बाद आधा घंटे के बाद चूँकि मांसपेशियों पर दबाव पड़ रहा है थोड़ी सी परेशानी होगी, दर्द सा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद
ठीक हो जाएगा, क्योंकि रक्त अपने जाने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हाँ, पहले की तरह कम प्रवाहित होगा, लेकिन प्रवाहित होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि जब ध्यान में बैठते हैं तो आधे घंटे के पश्चात शरीर में झनझनाहट होने लगती है, तो सुंदर सद घबरा जाते हैं कि ये शून्य हो रहा है। शून्य से घबराइए नहीं, थोड़ी देर के बाद शरीर वैसा अनुकूल बना लेता है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े योगी होते हैं, चार चार दिन लगातार बैठे रहते हैं, छः छः दिन बैठे रहते हैं। गौतम बुद्ध भी 7 दिन 7 रात बैठे ही रह गए थे। वर्षा हो रही है, तूफान आ रहा है, भयानक नाग उनके शरीर पर चढ़ जा रहा है, फिर भी उनका आसन टूटता नहीं है। उन्होंने तो निराकार की प्राप्ति की, आपको तो परम धाम का ज्ञान मिला है। आप परम धाम की चितवनी करते हैं तो शरीर को स्थिर बनाने का दृढ़ संकल्प कीजिए कि कहीं खुजलाहट होती है तो हमें खुजलाना नहीं है, धैर्य में रखिए। हाँ, मच्छरों से बचने के लिए या तो आप अपने कमरे में जाली लगवाइए या मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आजकल के मच्छर बहुत जहरीले हो गए हैं। जब तीखेपन से डंक मारते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का भी ध्यान टूट सकता है। एक बार जिस आसन में बैठ जाइए तो संकल्प कीजिए कि मुझे हिलना डुलना नहीं है, शरीर को चंचल नहीं बनाना है। धीरे धीरे आपका आसन अपने आप चलने लगेगा। जब राज्य से जब प्रेम बढ़ता जाएगा तो आपका आसन भी स्थित हो जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अपने दिल का तार राज्य के दिल से जोड़ने का क्या तात्पर्य है? इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें? देखिए, तारतम ज्ञान से हम तो वाणी से इतना जानते हैं कि हम अरस परस हैं हक के, लेकिन हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि इस मायावी संसार में हम अरस परस किससे हो रहे हैं? माया से। राज्य से हम अरस परस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही माया की है। हमारी ये आंखें, हमारा जीव, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं, सब कुछ माया की है। जब राज्य की तरफ नजर ही नहीं जाएगी तो हम राज्य से, हमारे दिल का तार जुड़ेगा कैसे? हमारे दिल का तार इस समय माया से जुड़ा हुआ है, राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है, किंतु हमारे दिल में राज्य अपना आसन जमा करके बैठे हैं। आप कह सकते हैं, तब हार के धनिये बिचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग, फिर बैठे माहे आसर कर, श्री महामत हृदय अपंग। वाणी की चौपाई क्या झूठी है? नहीं, झूठी तो नहीं है, लेकिन इसमें भेद है हकीकत का और मारिफत का। मारिफत रूप से हर दिल के अंदर राज्य हैं, और देखा जाए तो कोई दूसरा दिल है ही नहीं। परम धाम में केवल राज्य का दिल है। राज्य का दिल ही अलग रूप में श्यामा जी के रूप में दिख रहा है, राज्य का दिल ही परम धाम के रूप में दिख रहा है, राज्य का दिल ही सखियों के रूप में दिख रहा है। ये मारिफत है, किंतु जब लीला होगी तो हकीकत प्रकट होगी। इंद्रावती जी का दिल हो, चाहे श्यामा जी का दिल हो, चाहे आप सब सुंदर साथ का दिल हो, राज्य तो सबके दिल में मारिफत स्वरूप है। आप कहेंगे कैसे? मैं एक दृष्टांत देता हूँ। आम का वृक्ष देखिए, आम की पत्ती को आप आम नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे? या आम की पत्ती है। आम की डाल को आम की डाल कहेंगे, आम नहीं कहेंगे। आम का फल अलग है। आम की गुठली में ये गुण है कि वह गुठली एक नया पौधा देगी, जिसमें पत्ती भी होगी, डाल भी होगी, फल फूल भी होगा। पत्ती को डालेंगे तो शायद फूल फल पैदा नहीं होगा। हाँ, डाल में गुण है। दो डालों को मिला करके एक नया पौधा यदि बना देते हैं तो उसमें फल फूल लग सकता है। उसी तरह से मारिफत स्वरूप जो राज्य का हृदय है, राज्य का हृदय या राज्य का स्वरूप, कोई अंतर नहीं है। और ये सारी बातें भी हम बुद्धि से सोच रहे हैं। परम धाम का हर कण भी तो वही है। जब सारा राज्य का दिल ही सारा परम धाम है तो आप सोच सकते हैं, जितना जिसको हम आत्मा कहते हैं, पर आत्म कहते हैं, 25 पक्ष कहते हैं, सभी दिलों में तो राज्य ही क्रीड़ा कर रहे हैं। माया की दुनिया में हम दृष्टांत दे सकते हैं,
भेद कर सकते हैं। परमधाम की लीला को समझने के लिए यहाँ के दृष्टांतों से हम बस समझ सकते हैं। जैसे पानी बह रहा है तो क्या कहेंगे, ये हकीकत है, द्रवीभूत। पानी जमा है बर्फ के रूप में तो क्या कहेंगे, घनीभूत, यानी मारिफत। परमधाम में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत की लीला में जब हम देखेंगे तो दिख रहा है श्यामा जी हैं, सिंहासन है, मूल मिलावा है, 25 पक्ष हैं। अंतर की नज़र से देखेंगे तो दिखेगा क्या, जिसको हम श्यामा जी कहते हैं उनके अंदर भी राज्य, वही तो राज्य है, सिंहासन भी तो राज्य है, हर कण भी तो वही है, आपका तो अपना कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जब यही बात कह देंगे तो समस्या खड़ी होगी, बिना लीला के तो पहचान होगी ही नहीं। मौसम्मी को चखे बिना आप कैसे कह सकते हैं कि मौसम्मी है, खट्टी है या मिट्टी है। इसलिए लीला के रूप में कहा गया है, ये सखियाँ हैं, ये हैं, ये हैं। इस माया के संसार में तारतम वाणी का प्रकाश मिलता है तो हम क्या कहते हैं, अब हमारे दिल का तार राज्य से जुड़ गया है। किससे, ज्ञान दृष्टि से। आपके दिल ने, जीव के दिल ने 6 चौपाइयों को सुना, चर्चा वाणी सुनी, तो आपके जीव का दिल पुकार कर क्या कह रहा है, अब हम देवी देवताओं की भक्ति नहीं करेंगे, राज्य की भक्ति करेंगे। आत्मा का दिल जीव के दिल के द्वारा ग्रहण की जाने वाली इस ज्ञान की लीला को देख रहा है। अब वो दिल, आत्मा का जो दिल है, जीव के दिल के पर्दे पर होने वाली अब तक जो कुछ लीला को देख रहा था, संसार में जीव क्या कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, धन कमा रहा है, विषय विकारों में फंस रहा है, अब आत्मा का दिल देख रहा है कि ये तो कुछ परम धाम की बातें कर रहा है, राज्य से संबंध जोड़ रहा है। अब जैसे जैसे वाणी जीव का दिल ग्रहण करेगा, बुद्धि से ग्रहण करेगा, फिर चितवनी भी करेगा, अब आत्मा को अपने निज घर की याद आने लगती है। क्योंकि आत्मा तो वही देखेगी सुनेगी जो जीव यहाँ करेगा, पर आत्मा की नज़र आत्मा के रूप में इस संसार की संसार के खेल को देख रही है। परम धाम में फरामोशी है, पर आत्मा के सभी तनों में फरामोशी है। आंखें खुली हैं लेकिन राज्य को देख नहीं सकती, मुख बोल नहीं सकते, पर आत्म का तन चल फिर नहीं सकता। हाँ, आत्मा ने जिस जीव के दिल पर बैठकर इस खेल को देखा है, उस जीव का तन चल फिर रहा है, बोल रहा है, वाणी पढ़ रहा है, चितवनी कर रहा है। जब जीव अंगना भाव लेगा, समर्पण की भावना लेगा ज्ञान के प्रकाश में, पहले तार जुड़ेगा ज्ञान का, अब जो तार जुड़ेगा चितवनी में प्रेम का। ज्ञान और प्रेम के द्वारा आपकी आत्मा का तार राज्य के दिल से जुड़ता है। हकीकत में मार्फत में तो वो अनादिकाल से जुड़ा है, अनंत काल तक जुड़ा रहेगा। मार्फत की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। मार्फत की दृष्टि से देखें तो ब्रजराज जाग्नि भी नहीं है, मार्फत की दृष्टि से आत्मा भी नहीं है, परम धाम 25 पक्ष भी नहीं है, जो कुछ है तो राज्य का दिल है, वहाँ तो पल भर भी नहीं हुआ। और यहाँ ब्रज भी बीत गया, रास भी बीत गया, जाग्नि के भी 300 से ज़्यादा साल बीत गए, अभी क्या चल रहा है। मार्फत में तो कुछ शब्द बोला ही नहीं जा सकता, फिर 18,758 चौपाइयों को कहने की क्या हो सकता थी। ये सब हकीकत में हो रहा है, और हकीकत में जीव का दिल पाणी के ज्ञान के प्रकाश में अपने हृदय को राज्य से जब जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसकी इस लीला को देखकर आत्मा को अपनी स्मृति याद आ जाती है। स्मृति सबसे बड़ी चीज है। कुछ चीज़ों को हमें संसार से सीखने का प्रयास करना चाहिए। राधा कृष्ण सीरियल में एक विशेष बात दिखाई गई है कि राधा गोलोक से आती है, कृष्ण बार बार समझाते हैं कि देखो तुम यहाँ की नहीं हो, लेकिन राधा को अपनी स्मृति नहीं है कि मैं राधा हूँ गोलोक की। वो क्या सोचती है, मैं वृषभान की बेटी राधिका हूँ, अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है उसी, क्योंकि स्मृति भूल चुकी है, स्मृति नहीं है। स्मृति यदि हो जाए तो हम आज जगे हैं। हमें स्मृति दी जा रही है वाणी के माध्यम से कि तुम परम धाम से आए हो, ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, ये नकली तन है, तुम्हारी आत्मा इस जीव के दिल पर बैठकर खेल को देख रही है। यदि हमारी वो स्मृति मिल जाए तो जागने में पल भर की देर नहीं लगेगी। हमको बताया भी जाता है, लेकिन इतनी गहरी नींद है
जैसे किसी को रात को गहरा शराब का नशा दे दिया जाए और कहा जाए कि देखो तुम्हें लॉटरी का पैसा 10 लाख मिलना है, समय पर पहुंच जाओ। उसको सुनाई पड़ रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि 9 बज गए हैं, 10 बजे पहुंचोगे तो तुम्हें मिलेगा। कह रहा है कि क्या परेशान कर रहे हो, मैं मुझे चिंता नहीं है, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि नशा माया शराब का नशा उस बेचारे को सोने के लिए विवश कर रहा है। वैसे ही हम वाणी चर्चा सुनते हैं उस समय लगता है कि नहीं नहीं, राज्य ही हमारे सब कुछ है, राज्य का ही प्रेम सब कुछ है, लेकिन माया का नशा इतना हमें व्याकुल किए होता है कि उसको छोड़ने के लिए हमें तैयार नहीं होते हैं। इसी में हमें सारा सुख दिखता है। लेकिन जब सच्चा तार जुड़ जाएगा तो वो तार किसी अन्य से नहीं जुड़ेगा। इसलिए सेवा पूजा में एक बात कही जाती है कि मैं अधीन करनी नहीं बांग्रह की लाज, मेरे सर्वस्व आप हो, आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो इसकी लाज रखना आपका काम है। ये क्या है, ये समर्पण की भाषा है, अपने अहं का प्रदर्शन नहीं है कि हमें वाणी मिल गई, हम चितवनी से साक्षात प्राप्त कर लेंगे। करेंगे तो इस, क्योंकि वाणी से हमें साधना का पथ मिल रहा है, लेकिन हमें जो करना है इसमें वाणी ने हमें ज्ञान दृष्टि से हमारे दिल का तार राज्य के दिल से जोड़ा, चितवनी ने प्रेम के द्वारा मूल स्वरूप को दर्शाया। अब हमारा प्रेम राज्य के हृदय में इस तरह से डूब जाए, हम अपने हृदय को राज्य के हृदय में विलीन कर दें, समझे कि उनका हृदय ही हमारा हृदय है। एक मैं विशेष बात बताता हूँ, प्रेम कब होता है? संसार में प्रेम नहीं होता है। कैसे? आप कहेंगे कि क्या पति पत्नी प्रेम नहीं करते हैं, भाई भाई प्रेम नहीं करते हैं, मित्र मित्र प्रेम नहीं करते हैं, ये रिश्ते निभाते हैं। लड़की को पता नहीं होता कि किससे मेरा संबंध होने जा रहा है। 4 फेरे होते हैं, 7 फेरों की बात नहीं है, 4 ही फेरे होते हैं। हिंदू समाज में गलत धारणा हो गई है, पिक्चरों में लोग दिखाते हैं 7 फेरे, 7 फेरे का कहीं प्रसंग नहीं है। सप्तपदी होती है, 7 कदम साथ साथ वर वधु को चलाया जाता है, सप्तपदी को 7 फेरे कह दिया गया। वाणी में भी 4 फेरे की बात है, 3 फेरे पीछे फिर चौथे फेरे अगल भाई। वेद के अनुसार जो विवाह होता है उसमें भी 4 ही फेरे दिए जाते हैं, पुराण वाले 7 फेरे जो लगवाते हैं वो गलत हैं। तो अभी मैं जो बात कह रहा था, आत्मस्वरूप की पहचान किए बिना कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। हम रिश्तों की पहचान करते हैं, ये हमारे पिता हैं सम्मान करना है, ये हमारा पुत्र है उसको खर्चा देना है, ये हमारी पत्नी है उसको साथ साथ रखना है क्योंकि इसने इससे साथ साथ चलने का हमें वायदा किया है। लेकिन यदि सभी पहचान लें, तत्र कह मोह कह सो कह यो एकत्वम अनुपस्थित, जो सब में एक चेतना को देखने लगे, प्रेम तो तब होगा जब हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, दूसरे के हृदय को हम अपना हृदय समझें और अपने हृदय को दूसरों का हृदय समझें। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पत्नी के नाम से सारी संपत्ति दे सकता है, बेटों को सारी संपत्ति दे सकता है, लेकिन कोई पिता अपने पुत्र को अपना हृदय नहीं दे सकता, कोई पुत्र अपने पिता को अपना हृदय नहीं सकता, कोई पत्नी अपने पति को अपना हृदय नहीं दे सकती, शरीर दे सकती है हृदय नहीं दे सकती, और पति भी पत्नी को अपना हृदय नहीं दे सकता। हृदय दिए बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। शिष्टाचार के रिश्ते निभाना अलग बात है, प्रेम करना अलग बात है। जब सभी प्राणियों को हम समझ लें, प्रेम में तो राग द्वेष होगा नहीं, घृणा होगी नहीं, परायापन होगा नहीं। हमारे सामने पड़ोसी का घर का बच्चे का एक्सीडेंट होता है, हम औपचारिकता पूरी करने चले जाते हैं, 10 मिनट बैठ कर कह देते हैं कि बहुत दुख हुआ। घर आते हैं, दरवाज़ा बंद करके चाय पकौड़े खाने लगते हैं, टीवी पर हम बैठ जाते हैं, हमारे हृदय में दुख नहीं है, दिखाने जाते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। उसी तरह से किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, 1 हफ्ते खूब रोएंगे, अगले साल वर्षी भी मना देंगे, लेकिन अगले दिन फिर भूल जाएंगे, क्योंकि औपचारिकता होती है। किसी को किसी से प्रेम नहीं होता, किसी ने किसी को अपना हृदय नहीं दिया होता है, इसलिए संसार में प्रेम नहीं होता। प्रेम कब होगा? जब आप दूसरे को
अपने दूसरे के हृदय को अपना हृदय समझेंगे। वाणी कह रही है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल और मेरा दिल दो है ही नहीं, अर्स्तन दिल में ये दिल, अर्स्तन परात्म, अर्स्तन दिल में ये दिल, परात्म के दिल में, और परात्म में जो दिल है वो हमारी आत्मा का दिल है। दिल अंतरपट को चुना है और परात्म का तन किसका है, राज्य का दिल है। फिर राज्य का दिल हमारा दिल दो नहीं हुए, लेकिन हम राज्य पर भी विश्वास नहीं करते। राज्य हमसे प्रेम करते हैं, राज्य हमें हर पल देख रहे हैं, ये हमको विश्वास नहीं होता तो हम दूसरों से सिफारिश करवाने लगते हैं कि आप कह देंगे तो राज्य हमें कर देंगे। हमें हम अपना दिल भी राज्य को देना नहीं चाहते, एक कड़वी सच्चाई है, कोई भी सुंदर सा स्वीकार नहीं करेगा। आप जानते हैं हम अपने परिवार के रिश्तों को निभाने के लिए 36 लाख की कार खरीद सकते हैं, राज्य के लिए क्या 36 लाख कोई दे सकता है, नहीं। हमारा पोता खुश रहे, बेटा खुश रहे, करोड़ों रुपये की जायदाद उसके सामने कर सकते हैं। कोई कोई होगा लाखों में करोड़ों होगा जो राज्य के नाम पर अपना सर्वस्व दे सकता है, प्रश्न होगा नहीं। आप देखिए यहाँ भी सुंदर साथ काफ़ी आए हैं, वार्षिक उत्सव में भी आते हैं। देखिए अभी राधा स्वामी वालों का कार्यक्रम हुआ, 3 लाख लोग आए थे, उनमें जो करोड़पति भी होगा ना उसको कहे कि झाड़ू लगा दीजिए तो खुश हो जाएगा कि मुझको ये सेवा मिल गई है। मैं सुंदर साथ को देखता हूँ, गांव के भी सुंदर साथ आते हैं तो यहाँ अतिथि बन करके आते हैं, यहाँ ही नहीं प्रणामी समाज में कहीं भी जाते हैं सुंदर साथ अतिथि के रूप में। कोई सोच घर पर सब करेंगे, घर पर छोटा छोटा सारा कार्य करेंगे, लेकिन जब राज्य की सेवा की बात होगी कन्नी काटेंगे कि हमारे ऊपर क्यों आफत डाली जा रही है, क्यों आपने अपना दिल राज्य को दिया ही नहीं है। पैसे में भी कंजूसी करेंगे, तन की सेवा में भी कंजूसी करेंगे, रिश्तेदार आ जाए तो देखिए आपको नींद नहीं आएगी। चितवनी के लिए कहेंगे कि नींद खुलती नहीं है चितवनी के समय, आप सोचिए राज्य मिले कैसे। तो आपने तो राज्य को अपने दिल का 100 अंश में से 1 अंश भी दे दिया होता तो राज्य की कृपा आप पर बरसती। इसलिए प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है कि अपने दिल का तार राज्य के दिल से जोड़ने का तात्पर्य है सर्वस्व समर्पण कर देना, मेरा तन, मेरा मन, मेरा हृदय, सब कुछ आपका है। एक प्रश्न पूछता हूँ, संसार में सबसे झूठा कौन है, कौन बताएगा आप में, आप बता सकते हैं संसार में सबसे झूठा और विश्वासघात करने वाला कौन है। कड़वा सच ये है मैं सुंदर साथ को सबसे झूठा मानता हूं दुनिया का। जानते हैं क्यों, जब आप आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, तन मन जीव निछावर किन्नो महामत चरणो लाग, आप कहते हैं ना आरती के समय बार बार गाते हैं मेरा तन मेरा मन जीव सब कुछ आपका है, निछावर कर दिया। लेकिन सेवा में आप तन की सेवा नहीं करना चाहेंगे, जी चुराएंगे, घर पर फावड़ा चला लेंगे, लेकिन जान पीठ में एक छोटी सी सेवा के लिए कह दिया जाता तो कहेंगे कि हमें क्यों कहा जा रहा है। मन आपने दिया नहीं है राज्य को, मन दे दिए होते तो सुख हो दुख हो हर स्थिति में आप खुश रहते, तन नहीं दिया, मन नहीं दिया, जीव भी नहीं दिया, आपने दिया कुछ नहीं है, लेकिन डेली कहेंगे मैंने तन दे दिया आपको, मन दे दिया, जीव आपको दे दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुंदर साथ राज्य से सबसे अधिक झूठ बोलता है। दुनिया वाले तो आपस में झूठ बोलते हैं और सुंदर साथ राज्य से भी झूठ बोलता है, विश्वासघात करता है। इसलिए पहले तो इस गुनाह को हटाइए, आप हर स्थिति में राज्य पर स्वयं को समर्पित करने की भावना रखिए। ध्यान के अतिरिक्त समय में साधक की अंतर मन की स्थिति क्या होनी चाहिए जिससे मन हर पल राज्यमय ही रहे। देखिए इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है भावलीनता। भावलीनता का अर्थ क्या होता है, भावों में डूबा रहना। और ये
किसमें था? चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस गोपियां, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियां कृष्ण के विरह प्रेम में डूबी रहती हैं, उनका जीवन कृष्ण में है, उनकी हर सांस कृष्ण के लिए है, न वो माला जपती है न आंखें बंद करके ध्यान लगाती हैं, क्योंकि बेचारी गांव की है, उनको ध्यान सिखाने वाला भी कोई नहीं है, किंतु अपना हृदय वो कृष्ण को दे चुकी हैं, इसलिए उठते बैठते सोते जागते कृष्ण की ही याद आती है। उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, ध्यान की प्रक्रिया नहीं की है, योग दर्शन उन्हें पढ़ा नहीं है, दिल देना उन्होंने सीख लिया है, सच्चा विशुद्ध प्रेम उनके पास है। और ये बहुत बड़ी चीज है, वाणी में इसी भाव को दर्शाने वाली चौपाई कही गई, उठते बैठते सुपन सो जागृत दम न छोड़े मां सुख को जाके असल हक निस्बत। गोपियों ने पहचान लिया था कि श्री कृष्ण जी से हमारा मूल संबंध है, तारतम का प्रकाश नहीं है, नींद है। हमें तो 300 वर्षों से ज्यादा समय से वाणी दी जा रही है, चितवनी कराई जा रही है कि मूल संबंध को याद कीजिए। हम मूल संबंध को क्या याद करते हैं? कह तो देते हैं राज्य हमारे धाम धनी है, हम संसार के संबंध को याद रखते हैं, ये पिता ये भाई बहन ये रिश्ता का रिश्ता जोड़ लेते हैं, रिश्ते का रिश्ता हम निभा सकते हैं, राज्य से मूल संबंध नहीं निभाना चाहते। दूसरा है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, देखिए उनका शरीर है पुरुष का, लेकिन भाव विभोर हो जाते हैं। वो क्या भाव लेते हैं? राधा भाव, वो स्वयं को राधा मानने लगते हैं, तो उनका चलना फिरना बोलना में वही भाव झलकता है। सामने जंगली पशु गुजरते हैं, चैतन्य महाप्रभु भागते नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि सिंह भाव है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप भी ट्रेन आ रही हो सुपर फास्ट, आप कह दिए कि ट्रेन भी तो राज्य है, हम पटरी पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप में चैतन्य महाप्रभु जैसा भाव तो अभी हुआ नहीं। आप कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु तो जीवित हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो ये याद रखिए चैतन्य महाप्रभु का जीव आपके जीव से ज़्यादा त्याग कर रहा है, इसलिए उसको वो शोभा थी, आपको वो शोभा नहीं है। हाँ, कई महात्माओं ने अपने योग बल से चलती ट्रेन को रोक दिया है, किंतु आपको चलती ट्रेन रोकने का आदेश नहीं है। आप रोकना चाहेंगे तो आपसे ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आई है। भावलीनता का तात्पर्य यह है कि राज्य के भावों में इतना डूब जाइए कि आपको संसार दिखे नहीं। याद रखिए, हम जितनी देर तक चितवनी करते हैं उतनी देर तक राज्य के आभा मंडल में हमें आनंद प्राप्त होता है। चितवनी पढ़े वाणी पढ़े, लेकिन जब उससे उठते हैं तो संसार की माया का हमारे अंदर प्रवेश होना शुरू होता है। जब आप किसी के पास बैठते हैं तो क्या करेंगे? कोई ना कोई बात तो निकलेगी, उन बातों में किसी की प्रशंसा होगी किसी की निंदा होगी, तो हमें इससे बचने का प्रयास करना होगा। बैठे बातें करी बकार्स की तित भीष्ट बई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित दोजक। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, यदि हमको लगता है कि उस व्यक्ति में कमी है तो सीधे जाकर अकेले में उसे कहिए कि भ्राता जी आप में ये कमी है, आप ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप उससे तो अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हो, और दूसरों से कहते हैं कि देखिए वो बहुत खराब है। ये प्रवृत्ति बहुत घातक है। पीठ पीछे किसी के अवगुणों को देखना निंदा है, और जिसमें अवगुण है सीधे उससे कह देना आप ऐसा कर लेंगे तो आपका बहुत भला होगा, ये क्या है? शुभ चिंतन। हम सबका कल्याण सोचें, किसी का अहित न सोचे, साफ दिल सुहागने कभू न दुखावे के। हम किसी को पापी बनकर बताकर प्रचारित न करें। यदि हम कीचड़ पर बार बार घृणा से पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? कीचड़ के छींटे आपके ऊपर भी पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा हानि जानते हैं किसकी होगी? उसी की होगी जो कीचड़ पर पत्थर मारता है। आप किसी को बार बार बुरा कहेंगे तो बुराई के संस्कार आपके चित्त में बस जाएंगे। इसलिए मनुष्य क्या है? विचारों का ही तो पुतला होता है। प्रत्येक मनुष्य जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप
हमेशा ब्राह्मी भाव में डूबे रहिए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। दूसरे में आप उसी आत्मा के दर्शन कीजिए, चाहे वो काला हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कंगाल हो, चाहे समाज का सबसे तुच्छ व्यक्ति क्यों न हो, ऊंच नीच की भावना से रहित होकर। यदि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो सामने किसी भंगी को देखकर, चंडाल को देखकर घृणा मत कीजिए। आप ये सोचिए कि उसके अंदर भी परमधाम की वही आत्मा हो सकती है, और उससे यदि मन में घृणा हुई तो क्या होगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। तीन प्रकार की हिंसा होती है, शस्त्र की हिंसा, वाणी की हिंसा, और एक हो सकती है मन की हिंसा। आप कहेंगे तीनों में सबसे अधिक घातक कौन है, आप बता सकते हैं? आप तो कहेंगे कि शस्त्र की हिंसा सबसे घातक है, ऐसा नहीं है। शस्त्र की हिंसा तो केवल दिखावा है, कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, आप उसको 10 डंडे मार देंगे, भूल जाएगा कुछ समय के बाद। किंतु यदि आपने ऐसा तीखा शब्द बोल दिया जो उसके हृदय को चुभ गया, तो वाणी की हिंसा शस्त्र की हिंसा से ज़्यादा घातक है, और वाणी की हिंसा से भी ज़्यादा घातक है मानसिक हिंसा। देखिए, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, ये चारों मिलकर 24 घंटा पांडवों का अनिष्ट सोचते हैं। इनके मन में हिंसा है, मन में कड़वाहट है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, वही हिंसा का बीज उगते उगते महाभारत के युद्ध का कारण बना, और 18 अक्षौणी सेना जिसमें 47 लाख से ज़्यादा लोग थे मारे गए। यदि उन चारों के मन में मानसिक हिंसा नहीं होती, एक ही दिन जाकर आमने सामने लड़ लेते, झगड़ लेते, तो उनके मन की कड़वाहट मिट जाती। या पांडवों से आमना सामना कुछ भी कर ले, डंडे भी मार लेते, आमने सामने सीधे पहले लड़ाई कर लेते, तो मन की खटास मिट जाती, तो शायद इतना भयानक युद्ध नहीं होता। लेकिन उस हिंसा को मन में दबाते दबाते बढ़ाते रहे, वो आगे तो दिख नहीं रही थी, लेकिन जब पांडव 12 वर्ष का वनवास पूरा करके आते हैं तो वह हिंसा अपने प्रचंड रूप में उभरी, जिसने पूरे भारतवर्ष का पतन कर दिया। हमारे साथ भी यही होता है, हम मानसिक हिंसा ज़्यादा करते हैं, किसी के प्रति घृणा के भावना रखते की भावना रखते हैं। सामने आएगा तो खूब मुस्कुराकर बात करेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मन में सोचते हैं कि इसका क्या नुकसान कर दें। और इस देश के पतन का मूल कारण भी यही है, 1000 वर्षों की गुलामी का कारण भी यही है। हर मनुष्य यदि स्पष्टवादी बन जाए, जो मन में हो वही जीवा पर हो। वाणी क्या कहती है, ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है, तन दिल दो ये के रूह कहियत है सोर। जो उसके दिल में है वही उसके मुख से निकले तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। हृदय में कुछ और हो, मुख पर कुछ और हो, तो समझिए वो उसकी या तो परमधाम की आत्मा नहीं है, और यदि वो आत्मा है भी तो माया की नींद में सोई हुई है। इसलिए सुंदर साथ ने ये जो प्रस्तुत किया है कि ध्यान के अतिरिक्त समय में साधक की अंतर्मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। ध्यान से चितवनी से जब आप उठते हैं तो शेष समय में केवल आप राज्य का ही चिंतन कीजिए। लेकिन सबके लिए संभव नहीं, विद्यार्थी को पढ़ाई करनी होती है, जो सर्विस करते हैं उनको अपना अलग काम करना होता है, बिजनेस वाले को अपना काम करता है। 24 घंटे राज्य तो मन में नहीं कर सकते। अपना हृदय आपने राज्य को सौंप दिया तो जिस काम को कर रहे हैं वही काम कीजिए। हाँ, मन में किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं होना चाहिए। जो मन में आप किसी का अनिष्ट चिंतन करेंगे तो एक दिन फलीभूत अवश्य होगा। यदि आप मन में विषय का चिंतन करते हैं तो आप विषयी अवश्य होंगे। आप मन में ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो ब्रह्म के भाव अवश्य होंगे। चिंतन कीजिए सकारात्मक, नकारात्मक किसी का चिंतन न कीजिए कि मैं उसका नाश कर दूंगा, उसको धोखा दे दूंगा। ये कभी भी पाप की बात यदि मन में सोचते भी हैं और उसकी जड़ को नहीं हटाते हैं, बार बार सोचेंगे तो वो आपके अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा,
और जब वो पाप का वृक्ष फलेगा तो वो कार्य रूप में परिणित हो जाएगा, जो पाप आप मन में छिपाते आ रहे हैं सबके सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए ध्यान के अतिरिक्त समय में आप शारीरिक रूप से किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहिए, जब अकेले रहिए तो केवल सकारात्मक सोचिए, सबके कल्याण की बात सोचिए। हमारी वैदिक परंपरा में क्या रहा है, प्रवचन के पश्चात या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें शांति पाठ किया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है, शांति शांति शांति, सबकी शांति हो, सबका कल्याण हो, सारे विश्व को अपना परिवार माना गया है। इसलिए कहा गया है कि उदार चरता नाम तो वस्था एवं कुटुम्बकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। लेकिन हमारा देश तो देखिए कितने प्रांतों में बटा है, प्रांतवाद की आग ऐसी है। एक बार मैं सिक्किम में गंगटोक में था, पत्रकार आया, पत्रकार ने पूछा कि आपको सिक्किम कैसा लगता है। मैंने कहा कि आपको पूछना चाहिए था कि भारत कैसा लगता है। मुझे तो भारत का हर प्रांत प्रिय है, मैं कहूँ कि ये अच्छा लगता है, ये अच्छा कम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये प्रांतीयता की दीवार मिटनी चाहिए, सारी धरती हमारी है, सारा विश्व हमारा है, हम सबके कल्याण की सोचें। और सुंदर साहब तो जो परम धाम से आया है उसको यही सोचना चाहिए कि हर प्राणी के अंदर राज्य का प्रेम बरसे, हर प्राणी राज्य के कल्याण की तरफ चले, यही हमारी भावना होनी चाहिए। आप न अनिष्ट चिंतन कीजिए, न अनिष्ट चिंतन को कहिए, क्योंकि अनिष्ट चिंतन करेंगे, विषय का चिंतन करेंगे, पाप का चिंतन करेंगे तो एक नए दिन उस संसार के पर्दे पर सबकी नज़र में आ ही जाएगा। एक प्रश्न है, जब तक आश्रम में रहते हैं, ध्यान करते हैं और सत्संग सुनते हैं तब तक तो सब संसार निरस लगता है, और यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाते हैं, ऐसी अवस्था में क्या करें। ये तो सरल सा उत्तर है, जो आप यहाँ करते हैं वो घर जाकर भी कीजिए, तो फिर आपको घर पर रहने पर भी ऐसा लगेगा कि राज्य हमारे साथ है। यहाँ आपसे चितवनी कराई जा रही है जबरन, वहाँ कोई कहने वाला नहीं होता तो आप चादर तान कर सोते रहते हैं। एक बात बताइए, आप शरीर को भोजन नियमित रूप से देते हैं, आत्मा को भोजन क्यों नहीं देते। रात को सोने से पहले कितना भी काम क्यों न हो, आप चितवनी अवश्य कीजिए, भले ही 15 मिनट कीजिए। और सवेरे उठने के बाद पहला काम चितवनी से प्रारंभ कीजिए, बिस्तर पर उठकर भी राज्य को ध्यान कर लीजिए। आपसे राज्य कुछ नहीं मांगते, कभी ये नहीं कहते कि भोग बना कर लाओ, कभी नहीं कहते कि आरती करो, वो तो कहते हैं प्रेम से मुझे याद कर लो। और चितवनी में उनको नख से सिकतक श्रृंगार देख सकते हैं। तबीयत खराब है, बुखार है, कुछ भी है तो लेटे लेटे भी राज्य को दिल में बसा सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये करते रहिए तो आपके घर में और ज्ञानपीठ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। घर भोगशाला नहीं है, लोगों ने सोचा है कि घर तो मस्ती के लिए है, ऐसा नहीं है। संसार का बड़ा से बड़ा परमहंस भी गृहस्थी के घर से ही तो पैदा होता है, किसी माँ ने ही उसको जन्म दिया होता है। इसलिए गृहस्थियों के घर जब तक योग आश्रम नहीं बनेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हर गृहस्थी पति पत्नी जब ध्यान करने लगेंगे उस दिन भारत का गौरव कुछ और होगा। आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माता कौशल्या ने अपने जीवन में राज खजाने का कुछ ग्रहण नहीं किया, उनके लिए अलग से अन्न आता था, कि कौशल्या का व्रत था कि मैं महान पुत्र को पैदा करूं तो उनके लिए पवित्र अन्न खोज करके लाया जाता था। हम यदि अपने अपने घरों को आध्यात्मिकता का आवरण उड़ा दें तो परिणाम क्या होगा, जिस घर में परमात्मा की भक्ति होगी, परमात्मा का ज्ञान होगा, वह घर मंदिर हो जाएगा और वहाँ महान पुरुष उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए जब आप यहाँ से प्रस्थान करें, घर जाएं, तो राज्य के लिए 1 घंटे 2 घंटे अवश्य निकालिए, कुछ वाणी के चिंतन के लिए और कुछ अपनी आत्मा को राज्य के श्रृंगार में डुबोने के लिए, फिर आपको घर में भी अपार शांति मिलेगी। अब मेरा समय समाप्त होता है।